हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, वो भी फ्री में। जैसा कि देख सकते हो आप यहाँ पे, ये मेरा एक वेबसाइट है और ये मेरा डोमेन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं गिटहब का डोमेन यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में ले सकते हो वाला डोमेन। और ऐसा अगर आप वेबसाइट बना करके अपने रिज्यूमे में या फिर सीवी में अटैच कर देते हो, तो जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली एक वेबसाइट रहनी चाहिए, अगर आप चाहते हो किसी भी कंपनी में, एक अच्छे कंपनी में आप चांस लेना चाहते हो इंटरव्यू का। तो क्योंकि अगर आपका वेबसाइट बना रहेगा तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें दिखा सकते हो अच्छे से। यहाँ भी देख सकते हो मैंने सारे प्रोजेक्ट वगैरह दिखा रखे हैं, साथ साथ मैंने उसका लिंक भी दे रखा है गिटहब का, ताकि वो प्रोजेक्ट मेरा चेक भी कर सकते हैं लोग जा करके। तो अभी आप चाहते हो तो आप, ये मेरा यूआरएल है hello@danish.github.io, इस पर आप भी चेक कर सकते हो लाइव मैंने किस तरह का बना रखा। और आप भी चाहते हो इस तरह का बनाना तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना, तो आप भी इसी तरह का बना सकते हो, वो भी आप फ्री में। और यहाँ पे मैं रिज्यूमे भी ओपन कर दूंगा, तो ये मेरा रिज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे, तो आपका कोई रिज्यूमे भी डाउनलोड कर लेगा वो यहाँ आपकी वेबसाइट से, ये भी आपका अपलोड रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। तो इस यही का आप, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप अपना वेबसाइट बना सकते हो अच्छे से, इसी तरह का वेबसाइट बना सकते हो। और अगर आप किसी ब्रांच के हो तो सी एस को छोड़ करके, तब भी आप अगर चाहते हो बनाना तो बना सकते हो, पर जनरली अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको तो ये इस तरह की वेबसाइट बनाने आना ही चाहिए। यहाँ पे आप मेरा कोड बेस वगैरह देख सकते हो मैंने किस तरह से बनाए हैं, और यहाँ पे मैंने एडिट भी वगैरह ऐड कर रखा है, तो आप इस लिंक पर ओपन करके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट बनाना होगा अपने लोकल पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लोकल पे कैसे बना रखा। अगर आपको नहीं आता बनाने लोकल पे तो वो आप HTML CSS का यूज़ करके बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एक फुली वेबसाइट है, ये मैंने बना रखा है। यहाँ पे सारे फोल्डर के स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारे इमेज वगैरह ऐड कर रखे हैं देख सकते हो। तो इमेज भी मैं ऐड करूँगा वहाँ पे वेबसाइट पे, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है एक्चुअली HTML वाले कोड में। यहाँ पे मैं इसका लिंक यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो CSS वगैरह मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया यहाँ पे, तो बूटस्ट्रैप का यूज़ करके। और मैं आपको index.html ओपन करके दिखा देता हूँ, ये मेरा एक मेन पेज है और एक ही पेज पे सारे फंक्शनलिटी ऐड करके यहाँ पे पूरा दिखा दे रहा हूँ, और एक ही पेज में वो पेजेस चेंज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड बार वगैरह भी, तो यहाँ पे बहुत सारे टैब मैंने ऐड कर रखे हैं, और यहाँ पर मैंने अपना सारा एजुकेशन डिटेल दे रखा है, ट्रेनिंग दे रखा है, प्रोजेक्ट दे रखा है, जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाया था सारे कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रोजेक्ट वगैरह भी देख सकते हो। तो ये आपको डेवलप करना होगा खुद से ही। मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्टिकुलर पूरा बताऊं एक एक करके, क्योंकि कोड बताने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गिटहब का यूज़ करके अपना वेबसाइट बना सकते हो अगर आप लोकल में बनाना चाहते हो। तो ऐसे आप एक सिंपल हेलो वर्ल्ड भी चेक कर सकते हो गिटहब पे, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा सा वेबसाइट इसी तरह से बना लो अपने लोकल पे, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि आप इसको अपलोड कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली जाना है अपने गिटहब पे जाना है आपको github.com पे। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो कोई बात नहीं, आप अकाउंट बना भी सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो मेरा डायरेक्टली ओपन हो गया। पर आप नहीं बना रखा है तो आप यहाँ से साइनअप करके रजिस्ट्रेशन, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको तो आता ही होगा रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना गिटहब पे। उसके बाद आपको एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिपोजिटरी में न्यू किया है। तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी ओपन होने में। तो आपका जैसे रिपोजिटरी मेन्यू करोगे तो आपके ऑप्शन आने लगेंगे रिपोजिटरी के, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इंटरनेट के हिसाब से वो डिपेंड होता है। तो आप देख सकते हो जैसे आपको रिपोजिटरी का यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, तो रिपोजिटरी का नाम आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको नाम जो है वो आपको URL में देना है, ठीक है। जैसे आपका नाम हो सकता है, आपका नाम मान लो कि राजेश कुमार हो, या फिर आपका नाम हो सकता है आपका नाम राम लखन हो, कुछ भी हो, तो आपको ऐसे ramlakhan.github.io लेना है। या फिर आपको, अगर आपका जो भी नाम है, मान लो आपका नाम कैफ है, जैफ है, जो भी नाम है आपका, मतलब आपका नाम काव्य है, तो काव्या.github.io ऐसे करके आपका जो भी नाम है वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको चेक करना कि अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये अवेलेबल है, उसको आपको सिंपली रखना है पब्लिक। यहाँ पे आपको अगर रीडमी फाइल अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ ऐड करना। उसके बाद आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेना है, देख सकते हो ये URL आपका .github.io लास्ट में रहना ही चाहिए, तभी आपका ये वेबसाइट होस्ट होगा, नहीं तो ये इसका आपका वेबसाइट जो है वो होस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये आपको क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये आपका एक सर्वर बनाएगा आपका, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को देख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे आपका गिटहब वाले को भी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है आपका, यहाँ पर github.com के आगे प्रोफाइल नाम रहता है, उसके आगे आपका URL लिंक रहता है। पर
आप डायरेक्टली इस hello.airdanish.github.io से आप डायरेक्ट अपने वेबसाइट को विजिट कर पाओगे। तो कुछ देर आपको वेट करना है, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं करूँगा अपलोड फाइल, और यहाँ पे आपको जो भी फाइल आपने बना रखा है पूरे सेम स्ट्रक्चर से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपके जो भी आपने लोकल पे बना रखे हैं वेबसाइट वगैरह, तो आपका वो सेम स्ट्रक्चर पे रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा एक फ़ाइल को, देख सकते हो यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ से अब अपलोड का यहाँ पे खुल जाएगा पेज, तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के लिए आपको वहाँ पे आप सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है, अब बता रहा है कि यहाँ पे आपको फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, चूज योर फाइल भी कर सकते हो। तो मेरा फोल्डर वाला फाइल है, तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ही करूँगा, क्योंकि आप भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही करोगे। तो यहाँ पे देखो, ये गिटहब का एक लिमिट होता है कि आप 100 फाइल से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते एक टाइम पर। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फाइल है मेरा, तो मैं चेक कर लेता हूँ कितने फाइल आ रहे हैं सारे फोल्डर को मिला के, उसके बाद अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे कुछ ही फाइल है, ठीक है, ये 100 प्लस नहीं लेना है मुझे, तो मैं 100 प्लस नहीं ले रहा हूँ, और यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हो 61 फाइल अभी अपलोड हो रहा है मेरा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और इसको अपलोड होने देते हैं, और ये बहुत कम साइज़ का है तो इसको अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुरंत अपलोड हो जाएगा। मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो आपके जो भी फाइल होते हैं HTML के CSS के ये सब बहुत कम MB के होते हैं, ये तुरंत अपलोड हो जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ यहाँ पर, और देख सकते हो कि अभी भी ये मेरा अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये तेज़ी में अपलोड हो रहा है। तो फिर वेट करना है आपको 61 फाइल तक अपलोड होने तक। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो अब ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है, और ये देख सकते हो गया है मेरा सारा अपलोड। तो मैं इसको कमिट कर दूँगा, ठीक है, जो आपके फाइल हो जाए तो अपलोड, तो आप कमिट कर सकते हो, और यहाँ पे आप कमेंट भी दे सकते हो कुछ भी। यहाँ पे चेक कर लेना आपको कि सारे फाइल अपलोड हुए हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कमेंट लिख के कमेंट कर देता हूँ। तो अभी मैंने कुछ ही फोल्डर अपलोड किया, आपको याद रखना है, ठीक है, आप एक ही साथ पूरे फोल्डर को अपलोड नहीं कर सकते, थोड़ी देर वेट करना है। अभी देख सकते हो ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने चार फाइल ऊपर के अपलोड, चार फोल्डर कर दिए, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट फोल्डर अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें 78 फाइल है, तो ये अब इजी अपलोड हो जाएगा। अगर आपका इसमें ज़्यादा फाइल रहता, अगर आपके आपके किसी फोल्डर में हो जाता है ज़्यादा फाइल, तो आप क्या कर सकते हो, अब उसके लिए आप उसमें से 100 फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना, फिर बाद में नेक्स्ट कमेंट में आप और फाइल को ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपलोड होने देता है इसको भी, और ये भी कमेंट कर देता हूँ मैं जल्दी से। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को मैं पॉज करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा 78 फाइल अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, और आप कमेंट में कुछ भी कमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो। अब मैं इनिशियल कमेंट दो देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरी बार कमेंट कर रहा हूँ। तो आपको कर देना कमेंट चेंजेस, तो ये कमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरी बार में देख सकते हो, अब मेरे पास SRC का फोल्डर बच गया, जिसमें सिर्फ एक ही फाइल है जो कि मेरा CV है, यहाँ पे रिज्यूमे है मेरा। तो उसको मैं एक ही साथ सारे फाइल को जो भी नीचे बच रखे हैं सबको मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं 7 फाइल तो अपलोड कर ही सकता हूँ एक ही साथ। तो यहाँ पे ड्रॉग एंड ड्रॉप सिर्फ करना है आपको, तो आप ऑटोमेटिक अपलोड होने लगता है, आपको अपलोड वाले लिंक पे भी नहीं जाना है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं अपलोड कर देता हूँ, देख तो बहुत जल्दी ये 7 फाइल अपलोड हो रहे हैं। तो ये अपलोड हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर मैं फाइनल चेंजेस करूँगा। तो जैसे आप फाइनल चेंजेस कर दोगे, तो आपका ये वेबसाइट तो अपलोड हो जाएगा गिटहब पे। उसके बाद आपको कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि आपको वेबसाइट अपने नाम से विजिट होनी चाहिए किसी URL पे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो। तो यहाँ पे कमेंट चेंजेस आप करोगे, तो अब आपका जो भी वेबसाइट लोकल पे था वो सारे फोल्डर फाइल सब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सेटिंग करनी है। तो पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो रिपोजिटरी नेम आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करना है, तो नीचे नीचे चले जाना है, डाउन डाउन, और यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पे कि योर साइट इज़ रेडी टू बी पब्लिश्ड एट, ये तो आपको बता रहा है कि आपका पब्लिश हो जाएगा। तो अगर आप कस्टम डोमेन यूज़ करना चाहते हो तो कस्टम डोमेन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है वहीं आकर के, कि देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ वहीं से, कि अगर वेबसाइट वो विजिबल है तो देख सकते हो। अभी ये hello.github.io दिखा रहा है जस्ट, पर कुछ ही देर में ये आपका दिखाने लगेगा
विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं, यहाँ पे कुछ थीम वगैरह भी अगर आप चाहते हो कस्टम इसके ना तो वो यूज़ कर सकते हो, पर अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ये सही है, आपको चेक करना है सिर्फ कि अपलोडेड है या नहीं वहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम जैसे ओपन करूँगा अपने लिंक को, देखो जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ हेलो एयरलाइन डॉट गिट हब डॉट आई ओ को, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास दो रीडमी के फाइल हो चुके हैं। तो मैं एक रीडमी डॉट एम डी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डॉट टी एक्स टी में लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा रीडमी डॉट टी एक्स टी नीचे में दिखा रहा है, और मैं सेम लिंक पर जाऊँगा तो अभी देख सकते हो ये आपका दिखा रहा है डॉट गिट हब डॉट आई ओ, और मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा वेबसाइट दिखा रहा है लाइव, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लगता है, 4-5 से 10 सेकेंड, और ये आपका विजिबल हो जाता है वेबसाइट। तो अब आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट लाइव दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे लाइव चल रहा है, ये मेरा कोई लोकल पे नहीं है, ये देख सकते हो हेलो एडवांस डॉट गिट हब डॉट आई ओ पे, और ये अभी भी रनिंग है, अगर आप चाहते हो तो अभी चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से आप किसी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो अपना गिट हब पे, और गिट हब एक फ्री रिपोजिटरी है वहाँ पे, तो आप प्रोजेक्ट वगैरह के लिए तो यूज़ कर सकते हो, पर आप चाहते हो अपना वेबसाइट एक सिंपली थोड़ा सा लोकल वाला वेबसाइट यूज़ करना पोर्टफोलियो की तरह बोल सकते हो, तो आप अपना पोर्टफोलियो इजीली बना सकते हो गिट हब का यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, यहाँ पे सारे लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये मैंने कैसे बनाया है HTML CSS का यूज़ करके, तो आप चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा स्क्रैच से कैसे आपको बनाना, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें अगर मैं सिर्फ बताता आपको इसी वाली वीडियो में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। पर आप चाहते हो सीखना HTML CSS के कैसे आप यूज़ करके इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में। तो अभी आप समझ गए हो कैसे आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो अपने गिटहब पे, और कैसे आप अपलोड कर सकते हो, तो ये आपको बहुत कमाने वाला, अगर आप कंपनी वगैरह में अप्लाई करते हो तो इससे आपका इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंटरव्यू के, अगर आपका इंटरव्यू में चांस मिल जाता है तो फिर तो आप फिर इंटरव्यू निकाल ही लोगे, तो इसीलिए आपको इस तरह के पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो आप CS में हो तो आपको डेफिनेटली बनाना ही चाहिए, तो आप इस तरह से अपना एक लोकल पे वेबसाइट बना करके होस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो इससे लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।